हेलो फ्रेंड्स, एसएफटी इंडिया में आप लोग को स्वागत है। इसी चैनल में हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी के ऊपर अपना रणनीति तैयार करते हैं। मंडे मार्केट में कैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी चलेगा, इसके ऊपर हम लोग एनालिसिस करेंगे। और आज भी हम लोग अपना लाइव ट्रेडिंग सेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे और कैसे ट्रेड हुआ सुबह सुबह इंट्राडे ट्रेडिंग, उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। और कल कौन सा लेवल हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर दिया था, उसके ऊपर भी हम लोग एनालिसिस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, मैं अपना स्क्रीन के ऊपर आपको ले चलता हूँ। यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, ये मेरा स्कैनर है। ये स्कैनर के अंदर मैं आपके सामने स्कैनर को रन कराता हूँ और ये स्कैनर को देखिए, ये सुबह 9:00 आपको पता है 9:15 से 9:30 के अंदर जो भी स्टॉक स्कैनर में आता है, मैं उसको एनालिसिस करके इंट्राडे का प्लानिंग करता हूँ। तो आज देखिए दोस्त, ये मेरा चार स्टॉक मेरे सामने है। एक एग्जावर है, अनदर JSW स्टील है, एनआईटेक है, UPL है। ये चार स्टॉक स्कैनर के अंदर आया है। उसके पीछे भी आप लोग अगर देखोगे, यहाँ पे मिले सर UPL भी आया है, डीमार्ट भी आया है। क्लियर है फ्रेंड्स, ये पूरा पैनल में आया है। हमको सुबह 3 से 4 स्टॉक लेना है। क्लियर है दोस्त। चलिए दोस्त, हम लोग मेरा लाइव ट्रेडिंग सेशन को आप लोग को ले चलता हूँ। ये फ्रेंड्स देखिए मेरा आज का लाइव ट्रेडिंग सेशन, यहाँ पे देखिए लाइव ट्रेडिंग क्लासरूम 5 जून 2020 बाई SFT है। ये मेरा लाइव ट्रेडिंग सेशन है। मेरा स्कैनर के अंदर जो भी ट्रेड आया था, यहाँ पे देखिए एनआईटेक है, UPL है, एग्जावर है, JSW स्टील है। ये चार मेरा स्कैनर के अंदर आया था। मैं यहाँ पे भी आप लोगों को दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ये लाइव ट्रेडिंग सेशन चल रहा है। कैसे एनआईटेक में एंट्री आके एनआईटेक ऊपर की तरफ चल रहा है, उसके बाद UPL भी ऊपर की तरफ चल रहा है और यहाँ पे JSW स्टील भी अपना ऊपर की तरफ चल रहा है। यहाँ पे भी टारगेट आ चुका है फ्रेंड्स। थोड़ा आप 2 मिनट लाइव मार्केट को भी देख लीजिए। ऐसे ही ढंग से हम लोग अपना ट्रेडिंग करते हैं। सुबह जो भी स्कैनर के अंदर आता है, जो भी हमारा एनालिसिस आता है, हम लोग ट्रेड करते हैं। ये एग्जिट हो गया मैं एग्जावर से मैं एग्जिट हो चुका हूँ। एनआईटेक देखिए हाई ब्रेक करके ऊपर जा चुका है। आप अगर कोई अपना प्रॉफिट भी यहाँ पे बुक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए JSW स्टील में एंट्री आ चुका है। ये पूरा लाइव ट्रेडिंग सेशन फ्रेंड्स चल रहा है। देखिए ये स्कैनर के अंदर जो भी ट्रेड आया, मैं आप लोग को यहाँ पे देखिए एग्जावर है, JSW स्टील है, एनआईटेक है, UPL है। यहाँ पे आप भी उसी को एग्जावर है, एनआईटेक है, UPL है और JSW है। ठीक है दोस्त, हम लोग लाइव मार्केट देखा और किसा हंसा खासा हैंडसम प्रॉफिट हम लोग कमा रहे हैं, उसका झलक भी मैं आप लोग को दिखाया। इतना बड़ा मूव एनआईटेक में, UBL में, एग्जावर में और JSW स्टील में, आप उसका भी आज का चार्ट देख के कैसे मोमेंटम तैयार किए उसको देख सकते हो। अदरवाइज यही लेवल में हम लोग को अपना प्रॉफिट को भी बुक कर चुके हैं, ओनली आधा घंटा 1 घंटा के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स इस स्कैनर को मैं बंद कर देता हूँ। ये हो गया मेरा लाइव ट्रेडिंग सेशन। अभी चलते हैं हम लोग रणनीति जो काल तैयार किए थे, आज वो कैसे काम किया, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर। आज बैंक निफ्टी के एक अच्छा मेरा जो लेवल था आपको दिया था 27,750। ये जो लेवल था, ये लेवल के ऊपर देखिए मार्केट ने, ये 20,750 के ऊपर यहाँ पे मार्केट ने गया। यहाँ पे वो लेवल भी अभी तक पड़ा हुआ है। तो जब यहाँ पे ब्रेक हुआ है, यहाँ पे आपको बाइंग आ चुका है, तो ये लाइन स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप ये लाइन को टारगेट, माने मिनिमम 21,150, ये जो लाइन है वहाँ पे आप टारगेट लेके जा सकते हो। मैं आप लोगों को बोला था मार्केट थोड़ा गैप अप होगा। अगर आप लोगों को इसको याद नहीं है, मेरा प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं। मार्केट गैप अप होगा और गैप अप होने के बाद एक सपाट रेंज में ट्रेड करेगा, वही भी मार्केट किया। गैप अप होने के बाद थोड़ा ऊपर गया, हमको ट्रेड देने के बाद नीचे आया और अपना टारगेट हिट हो गया। निफ्टी में अगर आप लोग देखना चाहते हो, निफ्टी में ऐसा ही थोड़ा ऊपर गया है, थोड़ा मार्केट वोलेटाइल के लिए नीचे आया है और धीरे 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 ऊपर गया है। निफ्टी में ऐसा कुछ अच्छा ट्रेड नहीं हुआ था। बैंक निफ्टी में आज अच्छा ट्रेड मिला। कल जैसे निफ्टी में अच्छा ट्रेड मिला था, बैंक निफ्टी में दोनों में आई थिंक कल मिला था ट्रेड। तो ऐसे ही हम लोग को एनालिसिस करके ट्रेड करेंगे और हम लोग तैयार करेंगे रणनीति मंडे मार्केट यानी 8
जून के लिए कौन सा रणनीति होगा, कौन सा टेक्निकल उलझान होगा, उसके ऊपर हम लोग एनालिसिस करेंगे। फ्रेंड्स चलते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का कौन सा टेक्निकल उलझान के साथ मंडे ओपन होगा उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। अभी दो दिन छुट्टी है, सैटरडे संडे, अभी दो दिन के अंदर इंडिया का हाल क्या होगा, यानी कोरोना पॉजिटिव ज़्यादा पाया जाएगा या कोरोना के थोड़ा सुधार आएगा और कोई अच्छा या बुरा न्यूज भी आ सकता है, ये न्यूज बेस में मार्केट थोड़ा बहुत रिएक्ट करता है। तो अभी दो दिन का हॉलीडे है, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, मंडे उठेंगे, देखेंगे ग्लोबल डाओ यानी डाओ फ्यूचर, अदरवाइज एक्सिक्स निफ्टी। अगर वहाँ पे कोई पॉजिटिव सिग्नल आएगा हमारा मार्केट पॉजिटिव होगा, और वहाँ से नेगेटिव सिग्नल आएगा तो हमारा मार्केट नेगेटिव होगा। अब फ्रेंड्स सबको रिक्वेस्ट है कि निफ्टी बैंक निफ्टी का ट्रेडिंग करने से पहले एक बार ग्लोबल मार्केट को एक बार नज़र में रखो। अगर आप लोगों को ग्लोबल मार्केट कैसे देखना है, कहाँ पे देखना है नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, फोन करो, व्हाट्सअप करो, मैं आप लोगों को बता दूंगा। चलिए मंडे मार्केट में अगर आपको एक्सिक्स निफ्टी पॉजिटिव मिलता है, आपका मार्केट यहाँ से 10,180 के ऊपर ओपन होगा। क्लियर है फ्रेंड्स आपको क्या करना है? अगर मार्केट 10,080 के ऊपर ओपन होकर 10 से 15 मिनट टिक जाता है, एक ग्रीन कलर कैंडल बना के 10,180 के ऊपर टिक जाता है, तो आपको फ्रेंड्स क्या करना है, यहाँ पे बाय करना है 10,300 या 10,275, मैंने 10,275 से लेकर 10,300 आपका यहाँ पे टारगेट है। क्लियर फ्रेंड्स? और एक्स निफ्टी नेगेटिव आता है तो एक बार ये मार्केट नीचे गिरने को यानी गैप डाउन होगा। जब गैप डाउन होगा ये यहाँ पे लेबल है 10,070, यहाँ पे अगर टच करके ग्रीन कलर कैंडल करके ऊपर की तरफ जाता है तो आपको बाय में बैठना पड़ेगा। क्लियर है फ्रेंड्स? 10,180 आपके लिए टारगेट है। अगर ज़्यादा मार्केट ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव हो जाता है, आपको 10,300 के पास डायरेक्ट ओपन होता है, यहाँ पे गैप अप होता है और 10,300 को टच करके नीचे आता है, तो यहाँ पे आप डेफिनेटली सेल में बैठना है। जब मार्केट 10,300 के पास नहीं जाता है तो आपको कोई सेल का सिग्नल नहीं मिलने वाला है। 10,300 के पास एक बार मार्केट टच करने के बाद यहाँ पे गिरने का एक गुंजाइश रहेगा। फिर भी दोस्त आप प्रिकॉशन लेकर ट्रेड करिए। 10,180 के पास अगर मार्केट उसके ऊपर टिकता है ग्रीन कलर कैंडल करके, 10 से 15 मिनट में बाय करिए, 10,300 आपका टारगेट। अगर मार्केट डायरेक्ट गैप अप होता है 10,300 से, वहां से देखिए उसका नीचे रेड कलर कैंडल होता है, आप सेल करिए, 10,180 आपके लिए टारगेट है। अगर और नीचे फिसलता है तो 10,070 लेवल में आता है, वहां पे अगर बाय करते हो तो 10,180 आपके लिए टारगेट है। चलिए फ्रेंड्स बैंक निफ्टी, अब बैंक निफ्टी में देखिए वही सेम रेंज है। बैंक निफ्टी अपना टारगेट दे के फास्ट टारगेट हिट हुआ है। अगर कल का मार्केट में यानी मंडे का मार्केट में यहाँ पे एक ग्रीन कलर कैंडल करके ऊपर में 10 से 15 मिनट के अंदर टिक जाता है तो आपको यहाँ पे बाय में जाना है। 21,500 और 22,000 आपके लिए टारगेट है। क्लियर है फ्रेंड्स? ये दोनों टारगेट है। अगर बैंक निफ्टी फिर से अगर गैप डाउन होता है और एक ग्रीन कलर कैंडल करके ऊपर की तरफ जाता है तो आप यहाँ पे भी बाय कर सकते हैं। मंडे मार्केट के लिए सेल का कोई मेरे को नहीं लग रहा है गुंजाइश सेल के लिए। अगर आप प्रिकॉशन लेकर आइए, लाइव मार्केट के अंदर मैं जो वेबिनार भेजता हूँ उसके अंदर मैं लाइव मार्केट में आपको दे दूंगा। मंडे के लिए ऐसा कोई अच्छा खासा लेबल नहीं आ रहा है, तो यही दोनों लेबल है। 21,180 के ऊपर अगर मार्केट जाता है तो 21,500 यहाँ से 400 पॉइंट और 600 पॉइंट का ऊपर की तरफ टारगेट है। अगर नीचे गैप डाउन होता है 21,650 से आप बाय करिए तो 21,180 का टारगेट है। तो सेलिंग के लिए मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर सेलिंग करने के लिए आता है तो मैं आप लोग को कोशिश करूंगा बताने के लिए। यही है बैंक निफ्टी की रणनीति है और निफ्टी का रणनीति है दोस्त, क्योंकि मार्केट में थोड़ा अपवर्ड होगा मेरे को लग रहा है, मगर ग्लोबल मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। सुबह ग्लोबल मार्केट अगर नेगेटिव है, यहाँ पे देखिए हाँ, अगर 20,644 के नीचे गैप डाउन होता है तो आपको सेल में बैठना है, 20,000 आपके लिए टारगेट रहेगा।
क्लियर है दोस्त, ये जो लेबल दिया है नोट करिए, थोड़ा मंडे मार्केट में कॉन्शियस होकर ट्रेड करिए। ऐसा कुछ सेटअप अच्छा खासा सेटअप नहीं बन रहा है, जो भी सेटअप मेरा नॉलेज में था मैं आपको दे दिया। क्लियर है फ्रेंड्स, मैं आप लोग से विदा लेने से पहले छोटा सा डिस्क्लेमर है, जो भी यहाँ पे हमें एजुकेटेड करा रहा हूँ दिस इज एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पज ओनली, बिफोर टेकिंग ट्रेड प्लीज टेक योर एडवाइस योर फाइनेंशियल एडवाइजर। दोस्त मेरे को विदा दीजिए, जो नए मेंबर्स है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए कि अच्छा वीडियो मैं बना के आप लोग को दे सकता हूँ। जो पुराने बंदे हो, पुराना स्टूडेंट्स हो, प्लीज आपका फीडबैक, अच्छा बुरा फीडबैक मेरे को दीजिए और मैं आप लोग को एक अच्छा अच्छा वीडियो बना के ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर दे सकता हूँ। अगर कोई बंदा मेरे को लाइव मार्केट में मिलना चाहते हो, यानी मेरा जो ऑनलाइन कोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हो, ऑफलाइन कोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हो, प्लीज मेरे को कॉल करिए, मैं आप लोग को कोर्सेस का स्ट्रक्चर बता दूंगा, ऑनलाइन क्लासेस का स्ट्रक्चर बता दूंगा और लाइव मार्केट में कैसे ज्वाइन करना है उसको भी बता दूंगा। मेरे को विदा दीजिए दोस्त, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी वीकेंड। आप आपका घर पे रहिए, एंजॉय करिए।